कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सोलन के 5 विकास खंडों के युवाओं ने भाग लिया। ये जानकारी पौधों की रोग विशेषज्ञ चिकित्सक आरती शुक्ला ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि उनके विभाग का लक्ष्य है कि जो युवा कृषि से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें कृषि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से जहां एक ओर फसलों की पैदावार बढ़ेगी, वहीं सोलन के किसानों की आर्थिकी में भी सुधार होगा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पौधों की रोग विशेषज्ञ चिकित्सक आरती शुक्ला ने बताया कि युवाओं का रुझान कृषि से हटता जा रहा है, उन्हें दोबारा से कृषि के प्रति आकर्षित कर उन्हें कृषि उद्यमी बनाना कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा आर्य योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के 5 विकास खंडों के 28 युवाओं ने भाग लिया। उन्हें मशरूम उत्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई, साथ में उन उद्यमियों से भी मिलवाया गया जो कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं, ताकि वे उनसे प्रेरणा लेकर वे भी उनकी तरह सफल प्रगतिशील किसान बन सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती शुक्ला है। मैं कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में पौधों की रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले 3 दिनों से मशरूम उत्पादन पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक परियोजना मिली थी आर्या, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। आर्या का मतलब है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा युवा पीढ़ी है वो खेती से जरा दूर जाती जा रही है, तो इस हमारी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसानों को या हमारे युवाओं को किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ें। तो इस प्रोग्राम के दौरान हमने हमारे प्रशिक्षार्थियों को बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम, उसके अलावा मिल्की मशरूम तथा शिटाके मशरूम से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई, और हम 3 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें खुम्ब निदेशालय का भ्रमण भी करवाया गया, और साथ ही साथ स्पॉन लैब जो हमारे विश्वविद्यालय की है वहां पर भी हम इन्हें ले गए, और जो एक प्रोग्रेसिव ग्रोअर है हमारे गुगा घाट में श्री बुद्धराम जी, उनके फार्म पर भी इन्हें ले जाया गया ताकि वो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और देख सकें कि किस प्रकार से लोग मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो इस हमारी परियोजना का उद्देश्य यही है कि हम मशरूम के उद्यमी तैयार करने हैं। तो अब हमने विगत वर्षों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और बहुत से वो किसान अब अपना मशरूम का कार्य बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज हमारे इस कार्यक्रम में 28 प्रतिभागी जो सोलन के 5 विकास खंडों से आए हैं, वो भी आगे भविष्य में चल के इसे एक उद्यम के तौर पर अपनाएंगे, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र उनकी हर संभव सहायता करेगा।